जान ला दो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज दिवाली का वो ब्लॉग व्लॉग शूट करना चाहता नहीं था, लेकिन मैंने बोला कि चलो शूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे एक गली का डेकोरेशन किस तरीके का हो रखा है। हम अभी हम मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर में भी दिए जलाने के लिए हमें बुलाया था, तो मंदिर अभी जा रहे हैं। तो दोस्तों हम मंदिर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर नया मंदिर बना था, आप देख सकते हैं। तो अभी हम मंदिर में चलते हैं। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और दीपावली पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे होंगे। तो हम भी देहरादून से काशीपुर आए हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ दीपावली का पर्व मनाने के लिए। हर त्यौहार का एक मतलब होता है, हर त्यौहार का एक मैसेज होता है। तो उसी तरीके से दीपावली का भी एक मैसेज जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम दीपावली मनाते हैं। तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बुराइयों को, अपनी सारी बुराइयों को आज के दिन कम करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कम करते रहेंगे तो धीरे धीरे निश्चित ही वो एक दिन आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा और आप भी एक अच्छे रास्ते में अग्रसर हो जाएंगे। तो यही है, उसके बाद मैं आपको किस तरीके से हमारे जहाँ पे हम रहते हैं किस तरीके से डेकोरेशन कर रखा है, मैं आपको सभी दिखाता हूँ। आपको आप अपना प्यार दिखाइएगा इस वीडियो पे सकते हैं। ओए ऐसे नहीं करने। तो ये है, इसका नाम है राधे और ये है आयुष। ये यहाँ पे गली में एक एक लाइटर लेके बीड़ी पी रहे हैं। वीडियो घर पे दिखाएंगे बीड़ी पी। क्या इंतजाम है? वेयर इज योर कैकर्स? तो आप देख सकते हैं हमारी ये हमारा छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं, दिया वगैरह जला रही हैं, अभी आरती वगैरह सब होगी। माता ब्रह्मा।
चावल भी रखते हैं, चावल नीचे रखते हैं, तरीका है तो जाके आपकी भी आ रही है, सबकी आ रही है। गलती से कुछ भी कर देगा, मुझे नहीं तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये यहाँ के यहाँ पे जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, इनमें से थोड़ा समझदार बच्चा यही है। इतनी तारीफ मत करो है। तो आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं गंधक पोटास। तो इनके पास जो है ये बारूद, इसका भैया अपना फेस दिखाइए, ये भैया लाए। अभी देखना बारूद को इसमें डालेंगे, इसमें आप देख सकते हैं। थोड़ा कैच किए पीछे, फिर थोड़ा कैच सके। तो आप देख सकते हैं गंधक पोटास कहते हैं। आपने देखा होगा गांव गांव में, जंगलों में या खेतों में जो जानवर रहते हैं, जंगली जानवर, उनको भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे आज यहाँ बम फोड़ रहे हैं। तो इसमें वो केमिकल डालते हैं गंधक और पोटास, तो उन दोनों को मिक्स करके इसमें डाला जाता है। तो यहाँ भाई डालेगा, ये
देखिए ये देखो ओए दूंगा तेरे को चलो हो गया आज मेला खत्म कल हाथ अटका यार।